फिर जावे ता जावे सादा सिक्की से दसदा जावे फिर जावे ता जावे सादा सिक्की से दसदा जावे प्रीतम जाना जे तू सच्चे परमेश्वर नूं मिलना चाहुंदा हे प्यारिया सतगुरु प्यारिया द्वारा सच्चे अकाल पुरख प्रीतम दा नाम ध्यौणा कर ध्यान कर बिरती करके दुख दर्द बिनसै पद सागर हे प्यारिया तेरा जमन मरन दा दुख अविद्या दीआं दर्दां संसार समुंदर जिहड़ा ते गोते खाने हैं ये नाश हो जाएगा। गुर की मूरत हृदय बसा सतगुरु साहब का स्वरूप जिहड़ा हिरदे च बसाउणा करो। साध संगत जी भाई गुरदास साहब जी जिन्होंने पंजवें पातशाह दे पास गुरु ग्रंथ साहब की लिखत कीती सी लिखारी समझो आदि महाराज दे ओह भाई साहब इउं कहिंदे हन भी छे स्वरूपां तक दर्शन भाई बुढ़े साहब ने कीते अते भाई साहब कहिंदे ने गुरमूर्त गुर शब्द है साध संगत सचखंड वसाया गुरु साहब का जिहड़ा स्वरूप है गुरु साहब के शब्द के दर्शन है जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के उपदेश नूं जिहड़ा दीदार करना है यह गुरु साहब की मूर्त है। उस प्रकार गुरु महाराज साहब के स्वरूप दस रूप धारे हैं महाराज जी ने उन्होंने स्वरूपों के जो कौंतर किए हैं ये साध संगत जी चित्र दर्शन हैं तो जिहड़ा शब्द का दर्शन है हिरदे च दर्शन है जिन्होंने शब्द नूं दिल च बसा लिया है उन्होंने अंदर गुरु साहब आप निवास करते हैं परमेश्वर भी आप वसदा है। इसे करके गुरु की मूर्त मन में ध्यान गुरु की मूर्त का मन ध्यान करो मूर्त के नहीं गुरु का शब्द मंत्र मन मान गुरु साहब के शब्द के मंत्र च मन नूं मनाउणा करो। इस प्रकार साहब संगत जी इस प्रकार मन नूं रोक के जिहड़े गुरु साहब के शब्द विच चित नूं जोड़दे है उन्हां प्यारियां दी इकट्ठ कथा है शब्द हिरदे च बसण नाल दसां पातशाहां दे जिहा जिहा स्वरूप है वह भी सिख्या दर्शन हो जाते हैं अते जिन्हां प्रेमियों ने महाराज साहब के स्वरूप का प्यार किया है उन्हां नूं किसे प्रकार का दुख कलेस नहीं हुंदा। इस प्रकार साध संगत जी एक प्रेमी पठान सी सढौरे का उस सढौरे दे प्रेमी ने दिल दे विच ख्याल होया कि मैनू मुहम्मद साहब के दर्शन होण। अठ साल कुरान के दसे अनुसार चलीसे कढ़दा रहा दर्शन ना हो सके पैगंबर साहब के मुहम्मद साहब के फिर क्या हिंदुओं के देवते छेती खुश हो जाते हैं। अठ साल वेद मंत्रिक पंड तो सीख के करता रहा उन्हू सख्यात ना रामचंद्र जी की ना कृष्ण जी की मूर्ति के दर्शन ना होए जब दर्शन ना होए यह दिल च घबरा गया मारकंडा कोल भी सढौरे दे बगदा है इन्हें कहा भी चलो हुण विच डुब के मर जाने हैं ना तो हिंदुओं के देवते ने दर्शन दिते है ना मुहम्मद साहब ने दर्शन दिते है ज्यों के की करना। इस ख्याल के नाल साध संगत जी वो चित्तों अपराम हो के दरिया च डुबण वास्ते भज्जा जा रहा है एक महापुरख सी उहदे कर्म जाग पे वह दरख्त के उत्ते बैठे से दरख्त बैठे कहन लगे किधर चलिया पठाना कहिंदे तुहाडा की मतलब मैनू क्यों बुलाउने हो गुस्से दे नाल कहिंदा कहिंदे बुलाउण दा मतलब दरिया च डुबण चलिया ना ਇਹ ਜਦ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬੁੱਝ ਲਈ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਤੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ 40 ਦਿਨ ਕਰ ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਸ ਪਊ ਜੇ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇਖਣੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਸ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਬੜਾ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ 16 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਉਸ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 35 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠੀ ਜਾਣ ਕੇ 8 ਘੰਟੇ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਲਸ਼ਕ ਪੈ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ
रोशनी वेख के बड़ा आनंद होया। महाराज सानू सजदा किया, हजूर ने कहा भाई क्यों मुहम्मद साहब के दर्शन करने हैं तेनू कराइए, कृष्ण जी के दर्शन करने हैं, रामचंद्र दर्शन करने हैं तेनू करा दिए। कहना नहीं बाबा जी हुण वेख के तुहानू मैनू नहीं फुरना रहा भी ना मैं रामचंद्र दर्शन करने हैं ना मैं कृष्ण दे ना मुहम्मद दे, मैं तो तुहाडे चरणा का भुखारी हो गया। सुन के महाराज कहिंदे फिर ऐ करिया कर, जिहड़ी तेरी जमीन है उहदे चों इक अपना हिस्सा रख लै, उस हिस्से दे विचों इत्थे आए गए नूं खराए दिया कर, अन्न दिया कर, ते अठ घंटे रोज जाप करिया कर, जो तू चेते करिया करेंगे तेनूं दर्शन बख्श दिया कर। ये बचन कहन तो साध संगत जी वह पठान इवें करदा सी। ये समा उस वेले सी बाबा खड़क सिंह जी जिहड़े मालो के सन, ये बजुर्ग सन बाबे रणसुनी, ते ये दोवें इत्थे सढौरे दर्शन करन वास्ते पीर बुद्धू शाह दे जिथे गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह जी दा ये साधक होया है, उस स्थान के दर्शन करन वास्ते आ जिथे बंदे बहादुर ने ये सढौरे के ताई मारिया सी। और यात्रा करने वास्ते जदों आए उस ना वो मुसलमान दा बाहरले पासे बाग वेख के उत्थे आ गए। जदों आए ते उसने पुछया महाराज मैनू प्रसाद दी आग्या करो, आप रस्त लै लो बना लो। कहन लगे भी मुसलमान की ते इस प्रकार तो लंगर दा चलाउण दा क्यों करना है। कहन लगा जिसने तुसीं सिख हो उहने मेरे ते मेहरबानी कीती है, उसे की कृपा करके मैं लंगर चलाउणा। यह सुन के संत बड़े निहाल होए प्रसन्न होए। इस प्रकार साध सिंह जी बाबे खड़कसा अखी वेख्या सी, वह पठान जी ने 16 साल मेहनत करन तो बाद फिर 35 दिन च गुरु साहब के दर्शन कर ले सी। इउं है गुरु साहब जी के अंदर भावना होवे ना, उन्हूं शब्द ते जिहदा यकीन है ना उन्हूं मारा प्रगट हो जांदे, कोई संसा नहीं रहिंदा इस गल च। गुरु साहब की मूर्त गुर शब्द है, इन दिल च वसा लवे हर वक्त। रहाओ दुश्मन हते दुखी सब व्यापे, ओदे जेड़े दुश्मन काम क्रोध है भी मार दिते महाराज ने, जेड़े दुखी सी ओ बिपता नूं फड़े फड़े गए। दुश्मन हते दुखी सब व्यापे, जेड़े दुश्मन दुखी सी ना व्यापे चिंबड़े होए, ओ सारे दुश्मनी करन वाले दोषी हथ दिते मार दिते लगे हुए सी जेड़े। इस तों दुश्मन जो काम करो लोभ मोह अहंकार सी, दुखी जो शब्द सपूर स्पर्श रूप रसगंध सी, सारे व्यापे दा कहना बिपता नूं फड़े गए, ये सारे निकल गए अंदरों। हर शरण आई आया, जदों हरी अकाल पुरख दी शरण आए एडा लाभ प्राप्त होया। रखन हारे हाथ दे राख्यो, रखन हारे वाहिगुरु ने कृपा दा हथ दे के आपके सेवकां नूं रख लिया है। नाम पदार्थ पाया, सतगुरां दे पासों अमृत नाम पदार्थ पा लिया है। कर कृपा किलविख सब काटे, कृपा दृष्टि करके साडे किलविख 4 प्रकार दे पाप सारे कट दिते। नाम निर्मल मन दिया, साडे मन च निर्मल करन वाला उज्जल नाम महाराज नूं मंत्र दे दिता। गुण निधान नानक मन वसिया, श्री गुरु साहिब जी कहिंदे ओ गुणां दा खजाना है, साडे मन सतगुरु जी कहिंदे वस गया जिन्हां गुरसिखां दे वस गया है। बाहुण दुख ना थिया, मुड़ के उन्हां नूं जम्मण मरन दा दुख नहीं होया, जम्मण मरन बारे परोपकारी जग विच आए, ये दात उन्हां नूं प्राप्त हो गई साध संगत जी। कर कृपा किलविख सब काटे, नाम निर्मल मन दिया, गुण निधान नानक मन वसिया, बाहुण दुख ना थिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।